सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो भाई, दो दिन से आप हमारी लव स्टोरी एंजॉय कर रहे थे, तो हमने सोचा कुछ लोग पर्टिकुलर दो चार बोर हो जाते हैं लव स्टोरी से, तो भाई व्लॉग शूट कर लेते हैं। तो भाई सुबह के बज चुके हैं आई थिंक 10:30, और अभी हमारी सवा दस हुए हैं, तो हमारी मॉर्निंग ड्रिंक हो चुकी है और अब हम कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है मिक्स वेज ग्रीन टी, और ये है मल्टीग्रीन रोटी एंड चटनी एंड डुगू। अभी हम लोग पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपने को थोड़ा सा काम है, आज बाहर भी जाना है और कुछ चीजें करनी है। फिलहाल तो मैं ये ले लेती हूँ, और साहिब आराम से अंदर सो रहा है क्योंकि कल हमने टेबल अंदर रखी थी, अलमारी के ऊपर सामान रखना था, तो टेबल तब से वही रखी हुई है और उसके ऊपर मस्त सो रहा है। मतलब वहां से निकल ही नहीं रहा भाई, वो बिल्कुल देखो कितना आराम से सो रहा है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि वो भी सो रहा है। तो पूजा पूजा भी मैंने कर ली थी रात को, भाई ठंडा था सही बताऊं तो, कल सच में ठंडा था। कल हम बाहर गए थे डॉग्स को फीड वगैरह कराने भी, तो बहुत ठंडा था, और कल रात को पहली बार ऐसा हुआ था दिन में कि हमने एसी नहीं चलाया, रात पूरी रात एसी नहीं चला ना, तो ठंडा था भाई। और अभी देखते हैं, हमको आज कहीं जाना भी है तो आपको दिखाएंगे, और बाकी तो चल रहा है अपना डे एज इट इज। तो गाइज, ये है हमारा लंच टाइम, और आज लंच में बन रहे हैं चीले, और चीले बना रहे हैं डुग्गू। और ये देखो, अब ये शेफ के नाटक शुरू हो चुके हैं। ओ माय गॉड, नए तवे का मुहूर्त करते हुए, मुहूर्त तो हो चुका था इसका, हाँ, बट वही है कि हमने दिखाया नहीं आपको भाई। हमने कुछ नए बर्तन मंगाए थे क्योंकि अभी देखो कुकिंग वीडियोस भी शुरू हो गई है, तो नए बर्तन भी चाहिए, सुंदर भी दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। और बहुत सारे लोग मकबन वाली जो वीडियोस हैं उनमें जो हम थाली यूज करते हैं जो वुडन की है, उनके लिए पूछ रहे हैं कि भाई वो कहाँ से ली करके, तो मैं बता दूं कि वो वुडन की थाली है, और वो हम नैनीताल जब गए थे तो हम वहां से लेकर आए थे। उनके साथ दो स्पून लेके आए थे लकड़ी की, और दो बाउल लेके आए थे, लेकिन बाउल का यूज कहीं हो नहीं पा रहा है अब तक। हाँ, बट आप अमेजोन से मंगा सकते हो, वहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है। यस, और ये तवे तो हमने अभी मंगाए हैं, तवा और पैन और ये सब चीजें हमने अभी मंगाए हैं रिसेंटली। तो भाई यहाँ पे ये बन रहा है, और यहाँ पे बन रही है हमारी थोड़ी सी आई मूली की भाजी। नहीं दिखा रही मैं, मेरे हाथ जल रहा है, नहीं दिखा रही मैं, मूली की भाजी बना रही हूँ बस, ये देख लो। और ये आज हमको कहीं जाना था, लेकिन डुग्गू पता नहीं बार बार कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं अपने सेंसेस में नहीं हूँ, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हाँ भाई, जाएंगे क्या? जाएंगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि मेरे को ज्यादा पालू की जरूरत है। सुनने तो और कुछ भी बोला है, डॉक्टर ने बोला है कि आप प्रेगनेंसी ट्राई करो। अच्छा। क्या करें आप, अब आईवीएफ करा है तुम्हारा? अब तो पहले गाइस को बताओ कि गाइस मेरे को मोटे मोटे होने पे चीजें वो करते हैं, खाने पीने पे वर्क करते हैं। करो यार, उसकी प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे मत किया करो यार। अपनी तरफ दिखा दे एक बार, दिखाओगे ना? नहीं मैं दिखा दूंगी, बट रोशनी इस तरफ से आएगी ना। इधर 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 ओके, इधर ओके। मेरा अगर चीला जला ना फिर देख लियो तेरी गरीबी के चक्कर में। बस हो गया, अब पकड़ ले, खुद ही शूट कर ले। मैं कहती है मेरी चीला, मैं पीछे से बोलूंगी ना कमेंट्री, तेरी तरफ मैं बोलेगी तो तू ही दिखाएगी अपनी शक्ल। जब बीवी की बात होती तो पति को बोलना पड़ता है, विक्की जाने भी बोला था कि जब मेरी बात है तो तू आंसर करो ज्यादा अच्छा है, तो अगर ये की बात है तो पायल आंसर करे तो ज्यादा अच्छा है ना। तो भाई हम गए थे, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि यशु देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या मकबैंग में भी कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा खा रहे हो, बट वो हमारी एक टाइम की मील होती है, ठीक है, और हम लोग सुबह खाते हैं जिससे पूरे दिन वो डाइजेस्ट हो जाए, और उसके बाद पूरे दिन नहीं खाते, खाते भी नहीं है उसके बाद। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि भाई यशु का एकदम से जो इतना वेट बढ़ रहा है वो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो हम डॉक्टर के पास गए थे पता करने के लिए, तो उन्होंने बताया है कि भाई कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं बॉडी में, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, वेट गेन करना, और फिर थोड़ा स्ट्रेस भी होता है लाइफ में, देखो सबकी लाइफ में होता है वो तो खैर, बट हाँ कुछ रीज़न होते हैं ऐसे, तो इस वजह से उसका वेट इतना ज्यादा गेन हो रहा है, और इतना ज्यादा गेन जो एकदम से हुआ है ना वो तो मैं इतना कंट्रोल करती हूँ तो इतना हुआ है। पिछले 2 साल में मैंने 10 किलो वेट गेन किया है पिछले 2 सालों में, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। तो यार अच्छा लगता मत बोला करो, क्योंकि वो कमेंट्स ज्यादा पड़ती है, मैं कम पढ़ती हूँ, तो फिर वो पढ़ती है तो वो और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती है, उसको स्ट्रेस होता है, जैसे वो अपना और वेट गेन कर लेते हैं, जबकि मैं उसको समझाती हूँ कि भाई अच्छे कमेंट्स पे ध्यान दो, बुरे कमेंट्स पे क्यों ध्यान देते हो, और इसलिए। लेकिन ये जो इंसान होता है ना, इंसान ये ऐसा ही होता है, इसको पहले बुरी चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती है। मेरा पेट मत देखो, मैंने पानी पी रखा है बहुत सारा, तो इसलिए वो दिख रहा होगा। तो भाई ये चक्कर है बस थोड़ा सा, और कोई बात नहीं है, बाकी सब बढ़िया है, मस्त मेडिसिन सभी चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है, जो हम अभी दिखा नहीं रहे हैं, तो आज मैं थोड़ा सा शाम को आपको दिखा दूंगी ब्लॉग में। बताओ तो मुझे, हार्मोनल इधर के उधर हुए पड़े हैं थोड़े 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 इधर उधर हुए पड़े हैं हार्मोन्स, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आप थोड़े से
अच्छा अब मैं आपको एक यहाँ पे ना एक चीज और बताती हूँ, बहुत ही फनी सी बात हो गई थी वहाँ पे। डॉक्टर ने जब पूछा कि मतलब डॉक्टर को हमने बताया हम ऐसे छुपा दे पाते है नहीं, और डॉक्टर से वैसे भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, और वैसे भी हम लोग जो गए थे होम्योपैथी के डॉक्टर के पास गए थे तो वो आपसे बहुत सारी चीजें पूछते हैं, आपका बिहेवियर, आपका रिलेशन फैमिली के साथ, बहुत सारी चीजें, तो हमने सारी चीज बताई उनको। फिर उन्होंने पूछा क्लियरली कि आपका मतलब वैसा रिलेशन कैसा है, तो हमने बता दिया उनको भी ऐसा ऐसा है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि देखो जो हॉर्मोन्स होते हैं ना वो ये चीज नहीं समझते कि मतलब आपका ऐसा रिलेशन है, समझ रहे हो। और कई बार जब हमें ये सुनने को मिलता है ना कि ये तो एक बीमारी है, ये तो हॉर्मोन्स का लोचा है। हाँ, हॉर्मोन्स का लोचा है। अब आप सोचो डॉक्टर एक तरफ बोलता है कि हॉर्मोन्स ये सब नहीं समझता, आपके प्यार को हॉर्मोन्स नहीं समझता कि आपका प्यार ऐसा है, और एक तरफ हमें सुनने को मिलता है कि ये सब हॉर्मोन्स का लोचा है। तो यही तो मतलब एजुकेशन में और समझ रहे हो, हॉर्मोन्स से कुछ लेना देना नहीं है, सब फीलिंग्स का खेल है भाई, फीलिंग्स का खेल है। हॉर्मोन्स का कोई लोचा नहीं होता, हॉर्मोन्स तो कर ही रहे हैं अपने काम। हॉर्मोन्स की वजह से बल्कि हमें दिक्कत आ रही है अब, तो ये है प्रॉब्लम। और ये मेरे क्योंकि उन्होंने यही बात बोली कि जो आपका दिल सोचता है ना वो आपके हार्मोन्स नहीं समझते हैं, तो बेसिकली ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि देखो मैं तो हूँ ही एक फीमेल बॉडी में, खुद को फीमेल ही समझती हूँ, डुगू भी खुद को फीमेल ही समझते हैं, बट कुछ चीजें होती है लाइफ के साथ जो चेंजेस आते हैं लाइफ में। और मैंने बोल दिया मैं यही बैठूंगी, मेरे को मैं अपने हिसाब से बोलूंगी, मेरी मर्जी है। अच्छा ठीक है, और मैं नहीं बोलूंगी, बाय। कभी ना बन जाऊं तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है, तेरे प्यार में कभी। सो गाइस शाम के बज चुके हैं भाई, आई थिंक 5:15, और अभी हम लोग करेंगे भाई अपना वर्कआउट, जो कि मैं आज आपको दिखाऊंगी कि हम लोग कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। अभी कुछ ही दिनों से हम लोगों ने चालू की है, बीच में हम लोगों ने योगा भी चालू किया था, बट योगा भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत और एक्सरसाइज भी करते हैं, दोनों मिक्स करते हैं, तो आपको देखना और बस देख लेना और क्या करना है। यशु ने पहन लिए कपड़े जिम वाले, जल्दी से आप कपड़े नीचे करें तो मैं दिखाऊंगी गाइस को। हाँ ये देख लो भाई ये जिम का कपड़े रेडी हो गए चुके हैं। ये क्या है ये? ये का हो रहा है? ये रहा हमारा योगा मैट जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये रहा साहिब। चलो करते हैं फिर मिलते हैं आप, करते हैं मतलब एक्सरसाइज करते हैं। सो गाइस अपना वर्कआउट तो कंप्लीट हो चुका है, अब हम लेंगे भाई अपना प्रोटीन जो हमने अपने जिम से लिया था। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं भाई कहीं तो बाहर जा रहे हैं, एक्चुअली हम लोग सोच रहे हैं कि कोई एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन करें, तो उसी के लिए बात करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे पास में ही है एक जहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहीं पे जा रहे हैं भाई, बहुत आवाज़ आ रही है, तो मैं ना आपसे मिलूंगी आने के बाद, ठीक है? चलो बाय बाय। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं भाई क्रिकेट के मैदान पे, और ये रही हमारी बॉल, अब हम कराएंगे बॉलिंग। गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक एक्टिविटी है स्पोर्ट्स की, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं। सामने फुटबॉल चल रहा है, यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है, और अभी आप देख सकते हो सामने की तरफ वो कुछ पता नहीं कुछ तो है, वो मार कुटाई वाला सीन चल रहा है, और ये बैट फेंक दिया गया। इनको पहले दिन यहाँ से निकालेंगे क्योंकि बैट फेंक रहे हैं। बस यहाँ पे ये नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग। अच्छा नेट लगा रहे हैं, अच्छा मेरा मुंह खोल दो, पर्सनल नेट खोल रहे हैं। हाँ पर्सनली पैसे भी लेंगे ना तुमसे वो, इसलिए खोल रहे दे रहे हैं नेट तुमको। चलो गाइस तो मैं दिखाती हूँ आगे, डुगू मुझे लगता है शायद बॉलिंग कराएंगे, और मेरे को बोल रहे हैं फील्डिंग कराने। भाई मैं फील्डिंग नहीं कराने वाली, मैं तुम्हारी फील्डर विल्डर नहीं हूँ। एक्टिविटी बहुत करा के आई हूँ मैं, अच्छा नेट किस लिए? सही बात है। चलो तो गाइस डुगू यहाँ पे रेडी है छपरी क्रिकेट खेलने के लिए अपना।
ये तो ऐसे थे तो बैट बॉल लेके घर पे भी खेल सकते थे, प्लास्टिक वाला। जब से मीरा रोड में राम मंदिर के बाद से दंगे फसाद होने शुरू हुए हैं तब से माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ सा लग रहा है। तो देखो अभी तो फिलहाल क्रिकेट चल रहा है तो वो एंजॉय करो। ये देखो यहाँ पे ये भैया डुग्गू को बॉलिंग सिखाते हुए कि आपको ये पोजीशन लेनी है और ऐसे बॉल करनी है, लेकिन डुग्गू अपना वही गली वाला गेम बोलते हैं, नहीं हमको कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं सीखना, हमको सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग करनी है, हम सीधा बॉल फेंकेंगे गली की तरह और सामने वाला भी वैसे ही मारेगा। और सामने वाला ये और बोल रहा है कि मैंने एक भी बॉल खाली नहीं जाने दी। तो गाइज यहाँ पे डुग्गू बैटिंग करते हुए, नहीं फटेगी ना, फिर फटेगी ना, वहां से ले लूंगी ना क्लिप में, पिक्सल फटेंगे। तो गाइज ये देख लो डुग्गू स्टाइल मारते हुए, आप लोगों को दिख रहे होंगे, ब्लैक में तो हॉट लग रहा है मेरा, बट यार जैसे मेरा ज़्यादा ही, मैं इसे देख के बहुत इम्प्रेस फील कर रही हूँ आज, मतलब मैं इम्प्रेस हो रखी हूँ इससे, जाकर इसको ज़्यादा पारो पारो करूँगी आज। एक तो ये ब्लैक पेन लेती है ना, लगती है ना कुत्ती, मैंने थूथू भी कर दिया कि मेरी नज़र ना लग जाए, क्योंकि मेरी नज़र लग जाती होगी, लग जाती है ना अपनों की नज़र, हॉट लग रही है ना, पतली भी हो गई ना पहले से बहुत, इसलिए ये लगा शॉट। देख रहा हूँ बैटिंग। तो डुग्गू क्रिकेट क्लासेस ज्वाइन करने वाले हैं गाइज, आज ये एक वो लिया है डुग्गू ने, ट्रायल लिया है, इनका बहुत दिन से मन था, अरे एक नंबर, इनका बहुत ज़्यादा मन था कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करने का, सो एक बार बैटिंग करना तो मेरा भी बनता ही है। ओह माय गॉड आउट। चलिए गाइज यशु भैया खेलने के लिए, अरे बाप रे सो सैड, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार प्रदर्शन, बच्चे भी समझ गए इनको, बच्चों वाली करो, वेरी गुड। मेरे मुंह पे मत मार दियो, अरे बाप रे मेरा मुंह पे ही मार रही है भाई, ये तो सच में भाई तरह जा रही है भाई, कौन सी मर्सिडीज में जा रही है, दूल्हा मर्सिडीज में जा रहा है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं आज भाई, जो मजा आया ना क्रिकेट खेलने में, कसम से बता रही हूँ, बच्चों के साथ मजा आ गया, मजा आ गया भाई, छोटे छोटे से भाई वो खिलाड़ी थे, क्या बॉलिंग, एक को देखो तो जैसे मैं बोल रही थी बॉलिंग देखो उसको देख के मैं ऐसा फील है जैसे आशीष नेहरा का स्टाइल है ना बॉलिंग कराने का, बिल्कुल वैसा था, मतलब हमारे टाइम में तो यार कहाँ इतनी फैसिलिटी थी कि हम ऐसा कुछ खेलें, ऐसा कुछ स्पोर्ट ज्वाइन करें, आजकल तो चीज़ें बहुत बदल चुकी है और आजकल के बच्चे बहुत आगे हैं, और मतलब मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि हमारे टाइम में क्यों नहीं थी ऐसी चीज़ें, खैर कोई बात नहीं, वो लाइफ अब जी लेंगे। और डुग्गू मुझे इतने टाइम से बोल रहे थे ना कि मेरे को क्रिकेट खेलना है, एक बार तो बोलते हैं जब भी हम वहाँ जाते हैं ना डीकैथलॉन, चल बैट बॉल ले लेते हैं क्रिकेट खेलेंगे, तो फाइनली अब इनका ये ड्रीम पूरा होना जा रहा है कि इन्होंने मुझे बोला था कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो अब ये वहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं और ये जाएंगे मंडे से। और भाई मैं तो अपनी जो मेरी एक्सरसाइज वगैरह जो भी चल रही है, जो भी मैं कर रही हूँ व्हाटएवर, वो मैं आराम से मस्त करूँगी, ये मुझे बोल रहे थे कि तू भी ज्वाइन कर ले, बट मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा, बट उसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऐसे रन के लिए भागना वागना जैसा एक्टिविटी थोड़ी सी कम है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, बाकी मैं जाऊँगी साथ में इनके। तो कहने का मतलब ये है कि मज़ा बहुत आया, लेकिन आज बॉडी पूरी टूटी पड़ी है, पहले तो भाई एक्सरसाइज की, फिर थोड़ा सा योगा किया, फिर उसके बाद लिफ्ट हमारे एक ही चल रही है, दूसरी लिफ्ट चल रही थी जिसके वजह से हमको सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ा साथ में, या तो बिल्कुल ही बेड पे पड़े रहेंगे या तो इतनी एक्सरसाइज कर लेंगे कि एक दिन में पूरा कोटा कर लेंगे, हालत खराब हो जाएगी। और आज तो वाकई में बहुत, लेकिन मजा आ रहा है। हाँ मेरी बेटी, हाँ स्कूटर चला रहा है। गाइस आज का व्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं भाई, कल मिलेंगे आपसे नए व्लॉग में या लव स्टोरी जो भी आएगा देखते हैं, बस आप हमको गाइड ऐसे ही प्यार देते रहो और हमारे चैनल पे और शॉपेबल पे, अनशॉपेबल एशल्स पे रेसिपी डाल दी है आपको, जैसे कि पता है कि रेसिपी का भी अनशॉपेबल एशल्स को रेसिपी का चैनल बना दिया हमने, और सजेस्ट करना इसको उसका नाम वही रहने दे या चेंज करें, तो जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे, और बढ़िया सा नाम सजेस्ट करना जिसमें यशल्स आना चाहिए, कुछ भी हो बस यशल्स आना चाहिए उसके अंदर, तो बढ़िया सा नाम सजेस्ट करना, अगर कोई नाम अच्छा लगेगा तो फिर मैं उसमें चेंज कर दूंगी नाम, डेफिनेटली। ठीक है, तो बस आई होप आपने हमारा ये जो भी दिन चल रहा थी वो बहुत इन्जॉय की होगी गाइज, और बस हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो गाइज, बहुत ज़्यादा प्यार दो,
ताकि हम एक घर खरीद सके संभावना मैम की तरह। हाँ, उनको भाई कांग्रेचुलेशंस। सही में यार बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा उनको देख के। आज मैं उनकी वीडियो देख रही थी तो मैंने देखा कि वो अविनाश जी को इतना सपोर्ट करती है ना, मतलब मैं इनको यही कह रही थी कि यार जो वाइफ अपने हस्बैंड को प्यार करेगी ना वही ये सारी चीजें बोल सकती है कि ये बहुत डिजर्विंग है और ये मतलब बहुत टैलेंटेड है, लेकिन अभी इसको इस तरीके से काम मिल नहीं पा रहा, मतलब जो भी चीजें वो बोल रही थी। तो ये चीजें ना तभी होती है जब एक वाइफ अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसकी जो भी यू नो काबिलियत है वो अच्छे से जानती होती है, तो वो कभी भी अपने आप को ऊपर नहीं दिखाना चाहती, वो उसको ऊपर रखना चाहती है। मतलब यही प्यार होता है कि आप एक दूसरे को ऊपर रखते हो हर चीज़ में। तो वो यही कहती है कि भाई मेरा तो ठीक है जो हो गया बट इसको काम मिलना चाहिए, इसकी चीज़ें। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कंग्रेचुलेशन संभावना मैम, उनको मैं पर्सनली भी मैसेज करूँगी और उनका रिप्लाई हमेशा आता है। जब भी मैं कुछ भी मैसेज करती हूँ ना तो उनका रिप्लाई हमेशा आता है। तो बहुत बहुत बधाई उनको और हम उनको भी घर लेने गाइस। हमारे तो एक लौता क्या बोलते हैं उसको इनकम सोर्स यूट्यूब ही है। तो चलो भाई, नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, हो जाएगा गाइस धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं, आराम से हो जाएगा। अब देख रहे बिल्ला चौड़ा होता जा रहा है, आधे बेड पे तो ये सोता रहा। चलो मिलते हैं फिर आपसे नए नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।